नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में पंजशीर में भीषण लड़ाई जारी है तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच। आपको बता दे, तालिबानियों ने बड़ा दावा कर दिया है कि हमने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। जी, अमरुल्ला सलेह ने ट्वीट करके ऐलान किया कि लड़ाई जारी है, तालिबानियों के कई कमांडर ढेर कर दिए गए हैं। जी, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से अगर बात करें तो अफगानिस्तान में खास करके तालिबान को लेकर यह युद्ध जो चल रहा है वो अभी भी जारी है और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं अपने आप में भीषण जंग की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। हालात कुछ इस कदर हो चुके हैं कि तालिबान ने और नॉर्दर्न अलायंस के बीच समझौता नहीं हुआ था, जिस वजह से युद्ध की तरफ पूरे की पूरे युद्ध हम कह सकते हैं कि मुड़ चुका है और ये एक जंग का रूप ले चुका है और भीषण लड़ाई हो रही है। इस बीच अगर बात करें तो फाइटर जेट भी इसमें आ चुके हैं और हेलीकॉप्टरों से तालिबानी पहुंच रहे हैं पंजशीर घाटी में। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खतरनाक है, खास करके नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों और या फिर अमरुल्ला सलेह की बात करें उनके लिए। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी स्टेट बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों इस वक्त की। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी के भाग्य अधर में, क्योंकि वहाँ भारी लड़ाई भीषण लड़ाई जारी है और यहाँ तक कि तालिबान ने भी दावा कर दिया है कि उसने पंजशीर पर कब्जा करके अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया, जबकि प्रतिरोधी बलों ने इसका खंडन किया है। प्रतिरोधी बलों में पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सलेह, पूर्व अफगान सुरक्षा बल के सदस्य और स्थानीय मिलिशिया शामिल हैं। दोनों पक्ष बढ़त हासिल करने का दावा कर रहे हैं। बीबीसी ने बताया है कि सलेह ने उन दावों को भी खारिज कर दिया है और वो भाग गए थे। हालांकि उन्होंने कहा है कि स्थिति कठिन है। प्रतिरोधी बल को नेतृत्व स्थानीय आदिवासी नेता अहमद मसूर कर रहे हैं और उनके पिता ने 1980 के दशक में आक्रमण करने वाले सोवियत संघ और 1990 के दशक में तालिबान से सफलतापूर्वक लड़ाई भी लड़ी थी। लेकिन अब देखने की बात होती है कि अहमद मसूर क्या कुछ बड़ा कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों सिचुएशन जो आन पड़ी है वो काफ़ी क्रिटिकल्स है और इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चिंता की लकीरें भी दोनों के लिए है, चाहे वो अमरुल्ला सलेह हो या फिर अहमद मसूद हो। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके आगे खड़े थे। सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबानों के पास जो हेलीकॉप्टर थे, कुछ अमेरिकी हेलीकॉप्टर से भी वो पंजशीर में एंट्री किए हैं, जिस वजह से ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है अभी की कि अमरुल्ला सलेह ने हालांकि इनकार किया लेकिन तालिबान ने कब्जे का दावा कर दिया है। काबुल में खुशी की जीत में फायरिंग भी हुई है, ये भी बड़ी खबर आ रही है कि पंजशीर में तालिबान को कब्जे का दावा न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कट्टर संगठन के सूत्रों के हवाले से की थी। तीन तालिबानी सूत्रों ने बताया कि तालिबान लड़ाकों को पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हो गया है, जिसमें पंजशीर भी शामिल है। पंजशीर घाटी में तालिबान और विरोधी गुटों के बीच टकराव जारी था। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबानी लड़ाकों ने काबुल एयरपोर्ट पर खुशी जताते हुए आसमान में फायरिंग की। ये भी एक बड़ी खबर आई है कि पंजशीर में कब्जे होने के बाद तालिबानी और खुश दिखे। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति और स्वघोषित केयर टेकर प्रेसिडेंट अमरुल्ला सलेह ने तालिबान कब्जे के दावे के बाद ट्वीट करके कहा कि लड़ाई अभी जारी है और जारी रहेगी, मैं अपनी मिट्टी के साथ हूं और इनकी गरिमा की रक्षा कर रहा हूं। वहीं पंजशीर से जुड़े एक ट्विटर अकाउंट में कहा गया है कि पाकिस्तानी, रसिया और चाइना पंजशीर रेजिडेंट्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, यानी पंजशीर रेजिस्टेंट्स के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान, चाइना और रूस भी आ चुका है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी खबर। वो रूस जो रूस अभी तक खास करके दोधारी तलवार की तरह अभी तक पंजशीर का समर्थन कर रहा था, लेकिन उसने भी यूएन में खास करके जिस तरीके से प्रधानमंत्री और भारत सरकार की तरफ से यूएन में अध्यक्षता किए जाने में जो प्रस्ताव लाया गया था उनमें चाइना और रसिया एब्सेंट थे, तो ये क्लियर कट हो गया था कि तालिबान का समर्थन जो है रशिया ने किया इनडायरेक्टली। और इसी वजह से अब जो पंजशीर की तरफ से जो ट्वीट करके कहा गया है उसमें पाकिस्तान, रूस, चीन को पंजशीर रेजिस्टेंट्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का बात किया है और तालिबान ने दावा किया है कि पंजशीर अब हमारे कब्जे में है। तालिबानी कमांडर ने इस बात का पूर्णतः दावा किया है। तालिबान सोर्सेज ने कहा है कि फिलहाल पंजशीर को हमने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि अभी दोस्तों कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन जंग चल रही है। सालेह बोले हैं कि देश छोड़कर मैं नहीं भागा हूँ, रिपोर्ट्स निराधार है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी कि अमरुल्ला सलेह जो है वो पंजशीर छोड़कर भाग गए हैं, यानी अफगानिस्तान ही छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स आने के बाद उन्होंने स्वयं ट्वीट करके ये कहा कि फ़िलहाल अमरुल्ला सलेह देश छोड़कर भाग गए। ये ऐसा किसी भी तरीके से सही नहीं है और अमरुल्ला सलेह के देश छोड़कर भागने की बातें जो है वो निराधार है। ये जो है उन्होंने स्वयं ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। तो ये अभी अभी की बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। अभी दोस्तों 20 मिनट पहले ये खबर टोटल निकल
के आई है, जिसमें तालिबान ने यह दावा कर दिया कि हमने कब्जा कर लिया और अमरुल्ला सालेह ने यह कह दिया कि अभी लड़ाई जारी है। आपको क्या लग रहा है कितनी देर तक जो है वो पंजशीर के शेर जो है तालिबान के सामने टिक पाएंगे? क्योंकि दोस्तों अगर बात करें तो तालिबान खाने पीने की सप्लाई, सब्जी सब कुछ रोक दिया है, दूध दही मक्खन पनीर सब कुछ रोक दिया है। इसके साथ सबसे बड़ी बात तो ये पानी इंटरनेट बिजली सब कुछ काट दिया है। ऐसे में आखिर कब तक पंजशीर के लोग और पंजशीर के शेर रह पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना बोले। जो युद्ध चल रहा है इसमें कई तालिबानियों के भी मारे जाने की खबर निकल के आई है और कई पंजशीर के शेरों के भी। अब एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, वो भी काफ़ी हम कह सकते हैं कि भारत के लिए एक तरीके से चिंता का विषय है। कश्मीरी मुसलमानों ही नहीं, अब भारत के मुसलमानों पर भी तालिबान ने चिंता जाहिर कर दी है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल गया है। भारत के मुसलमानों पर तालिबान का बड़ा बयान आया है और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों की भी याद उन्होंने दिलाई है। दरअसल नई सरकार के गठन से पहले तालिबान ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल साहिन ने भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर आप भारत मेरे देश में अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठाने के अधिकार खुद को देते हैं तो हमें भी उस आपके देश में अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। सुहेल साहिन ने कहा कि मैं किसी सैन्य अभियान की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास विदेशी एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा अन्य देशों में सैन्य रूप से हस्तक्षेप करने का इरादा है और ना ही किसी और को दूसरे के खिलाफ हमारी धरती का इस्तेमाल करने का इजाज़त है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल साहिन ने यह बयान तब आया है जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनते जा रही है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार की रूपरेखा तय हो गई है और आज मुल्ला बरादर जो है वह नई सरकार की अगुवाई कर रहा है। उसने जो है भारत के मुसलमानों, खास करके कश्मीर के मुसलमानों और कश्मीर को लेकर जो स्टेटमेंट दिया है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको नहीं लग रहा है कि तालिबान जो आने के बाद भारतीय मुसलमानों को चिंता जाहिर करके एक तरीके से भारत को अलग थलग करने की और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? हालांकि भारत सरकार की तरफ से स्टेटमेंट यही आया है कि पंजशीर की अगर हालत नहीं सुधरी और पंजशीर तालिबान अगर नहीं सुधरा तो फिर मिलिट्री एक्शन की तैयारी करेंगे, यानी सैन्य कार्रवाई को जो है वो भारत सरकार ने एक तरीके से संकेत दे दिए हैं। और अब भारत के मुसलमानों को लेकर जो स्टेटमेंट निकल गया तालिबान का, उसको लेकर भी भारत बखूबी नज़र बनाए हुए है और ये देख रहा है कि आखिर तालिबान क्या चाहता है और आने वाले समय में भारत का भी रुख यही होने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल के अपडेट के लिए। देश की इंडियन आर्मी पर भी अगर आपको गर्व है और मानते हैं कि भारत की जो इंडियन आर्मी है वो तालिबानियों को ही करारा जवाब देगी और पीओके में ही ढेर करेगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस